हाई गाइस गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज़ प्लेटफॉर्म स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और शायद कुछ दिनों बाद क्योंकि एक गैप आ गया है हमारे बीच में जब से क्लासेज नहीं हुई है तो आई थिंक आप लोग वेट कर रहे होंगे क्लास का और बहुत दिनों से क्लास नहीं आई है पिछले दो तीन दिनों से क्लासेज नहीं आए हैं तो काफ़ी लोग परेशान भी हैं मैसेजेस भी कर रहे हैं एंड आई एम रियली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी आप लोगों की रेगुलर क्लासेस नहीं आ पा रही पर कुछ रीज़न्स हैं हम लोग कुछ और प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोगों के ही फायदे के लिए आप लोगों के ही ताकि आपको वो एडवांटेजेस वो आपको वो फ़ायदा मिले जो दो तीन दिन क्लास ना आए उसकी भरपाई उसका कॉम्पनसेशन आप लोगों को मिल जाएगा अभी फ़िलहाल हमने ये नया सेशन आप लोगों के लिए वोकेबलरी के लिए स्टार्ट किया है क्योंकि एग्जाम्स अब करीब हैं तो सारे वर्ड्स आप लोगों को याद होने चाहिए और अगर याद ना भी हो तो रटना बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस करते रहो जैसा ये सेशन आ गया है हर रोज हम लोग वर्ड्स करेंगे अब देखो सैटरडे है आज कल संडे है तो ऑब्वियसली कल नहीं आएगा ये सेशन ओके okay? मंडे को फिर से आएगा और फिर वीक डेज में ही कंटिन्यू रहेगा तो डू नॉट वरी अबाउट इट ओके बस आप लोगों को क्या करना है सेशन में करवाए हुए वर्ड्स को जितना हो सके एक बार तो आप देखेंगे ही पर मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको रिवाइज ज़रूर करें गाइज है ना रिवाइज करने से क्या होगा जितने बार भी हम लोग वर्ड्स को पढ़ते हैं और जितने बार भी हम उसको रिवाइज करते हैं ये रिविजन ही है गाइज जो हमें वर्ड्स को कनेक्ट रखने में मदद करता है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कितने सारे आप इधर रख पाओगे स्टोर नहीं कर पाओगे आपका दिमाग या किसी का भी दिमाग नहीं होता है ऐसा इसके लिए हमें सबसे जो मेजर की है वो है रिविजन अगर आप लोग एक दिन में टारगेट रखो मुझे आज 300 सौ वर्ड याद रखने बिल्कुल नहीं होगा आप 30 की ही टारगेट रखो और उन 30 को ही आप एक दो बार पढ़ लो तो एटलीस्ट थ्री हंड्रेड ना होने से थर्टी होना इज ज़्यादा गुड तो आप इस तरीके का, का काम करिए रिविजन जरूर करिए हम लोग लेकर आ रहे हैं बैक टू बैक सेशन वो कैबलेरी के हर रोज होंगे कुछ वो कैब में सुनिम होंगे कुछ एंटनिम होंगे आज भी वो कैब में एंटनिम और सुननिम दोनों हैं आइए शुरू कर रहे हैं हम लोग वर्ड्स को शुरू करने से पहले जितने वर्ड्स आप लोगों को आते हैं आप लोगों को क्या करना है अपने वर्ड्स यानी कि अपने जो आप लोगों को सननिम एंटनिम आते हैं तो वो जरूर जरूर से देने हैं क्योंकि यस yes, बिल्कुल देने हैं आप लोगों को अपने से दैट so कि आपका रिविजन होता रहे साथ में और नए वर्ड्स अगर आ जाए तो उसको नोट करने की जिम्मेदारी भी आपकी है इसी के साथ क्वेश्चन नंबर वन के साथ हम लोग शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर वन हमारे सामने है सबसे पहला जो है वो है इनएक्सप्रेसिबल इनएक्सप्रेसिबल यानी कि जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते राइट देट कैन नॉट बी डिस्क्राइब कैन नॉट बी एक्सप्रेस जिसको हम बोल के नहीं समझा सकते जिसको जिसके लिए वर्ड्स कम पड़ते हैं जिसको आप Uh, समझा नहीं सकते एक्सप्लेन नहीं कर सकते इनफेबल एक वर्ड होता है इनफेबल इनफेबल क्या होता है जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता इसलिए इसको अनअटरेबल भी बोल सकते हैं अटर यानी बोलना होता है तो अनटरेबल भी बोल सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं इसके अब हम लोग देखेंगे सुनाने में करना है अन यानी कि इंटेलिजेंस रिलेटेड है जो इंटेलिजेंट जिसको ना कहा जा सके इलिजिबल जिसको दैट कैन नॉट बी रेड जिसको रीड नहीं किया जा सके कई राइटिंग ऐसी होती है आप तो बहुत अच्छा लिखाते हैं एग्जाम में और बहुत अच्छा आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट आना चाहिए लेकिन क्या होता है होता यह है कि अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है उसका रीजन क्या होता है अच्छा रिजल्ट ना आ पाने का अच्छा रिजल्ट ना आ पाने का सिर्फ एक ही रीजन होता है अच्छा रिजल्ट ना आ पाने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि आपकी राइटिंग कई बार ऐसी होती है जो इलिजिबल होती है इलेजिबल होती है मतलब कि रीड नहीं कर पाता एग्जामिनर क्या लिखा है आपने समझ नहीं पाता इसलिए वो आपका आंसर नहीं पढ़ पाता और आपको मार्क्स नहीं दे पाता इनएक्सप्लिकेबल जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके जिसको जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके जिसका वर्णन ना हो पाए बिल्कुल सही है है ना सी जी एल सी पी ओ स्टेनो के कैब के लिए मैंने आप लोगों को बोला था हम लोग लेके आ रहे हैं अब सीरीज जैसे कि ये वाली आधे घंटे वाली स्टार्ट हुई है ना ऐसे ही पूरा एक दिन सेशन आएगा जिसमें जैसे हमने मेंस कर लिया है इस तरीके से सीपीओ और स्टेनओ भी हम लोग करने की आप कोशिश करेंगे हो जाएगा ठीक है बस थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है इन चीजों के लिए सिर्फ वन ट्वेंटी टू वन थर्टी ही आ पा रहे हैं सी एच एस एल में क्यों आज का बोर्ड बहुत साफ सुथरा दिख रहा है उसका रीजन सिर्फ एक ही है ओह oh, ये दोनों सेम सिनोनिम वर्ड्स ले लिए हैं सिनोनिम आ गए हैं यहाँ पे मतलब सेम ही वर्ड आ गया तो यहाँ पे हमें सिनोनिम ढूंढना था ये इसका सिनोनिम तो हो जाएगा बट दिस इज द सेम वर्ड हियर चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट हमारे सामने अपथि है बहुत साफ दिख रहा है इसका कारण ये है कि पिछले दो तीन दिनों से क्योंकि ये यूज नहीं हुआ है ना इसलिए आपी है हमारे सामने आपत्ति क्या होता है इसको हम बहुत बार कर भी चुके हैं एक बार और करते हैं आपी देखिए पथी क्या होता है पथी का मतलब होता है फीलिंग पथी इज फीलिंग और अपी मतलब नो फीलिंग फीलिंग कोई feeling नहीं कोई आपके अंदर कोई चाम नहीं किसी चीज को लेके कोई इंटरेस्ट नहीं कंप्लीटली डल कंप्लीटली ग्लूमी कंप्लीटली बोरिंग अन इंटरेस्टिंग सा पर्सन मोनाटनस सा पर्सन कैसा हो जाता है वाला हो जाता है का का फिर मतलब क्या होगा का लंबा सेशन चाहिए पांच घंटे वाला आप ये बताइए फाइव आवर्स देखता कौन है फाइव आवर्स के सेशन नहीं देखे जाते कितनी बार आप ही लोग बोलते हो कि नहीं देखे जाते इतने लंबे सेशन इसलिए मैंने रोका सी एच एस एल में मैंने कितने सेशंस करवाए थे लंबे वाले आप बताइए हाँ तो नेग्लिजेंस क्या होता है नेग्लिजेंस होता है इग्नोरेंस कोई चीज़ को इग्नोर करना कोई चीज़ को नेग्लेक्ट कर देना किसी चीज़ को नहीं फॉलो करना दैट इज़ इन क्या होता है इन डिफरेंस सिन तो, आपथी और सिंपथी क्या होता है सिंपथी मतलब किसी के साथ आपकी पिटी हो किसी को आप काइंड रगे इस टाइप से ओके रोज होती है क्या यस yes, रोज होती है इवनिंग में फाइव ओ क्लॉक ओके और लास्ट वर्ड साइलेंस है, जिसका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है आपत्ति इज एक्जैक्टली नो फीलिंग और नो no फीलिंग का जो सेंस होगा वो किससे होगा न्यूट्रल अगर कोई व्यक्ति न्यूट्रल है न्यूट्रल है यानी कि कैसा है उदार है उदार है उदार नहीं उदासीन है उदासीन है मतलब ना वो खुश होता है ना आप उसके सामने डांस कर रहे हो तो वो खुश नहीं होता आप उसके सामने रो रहे हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्राइक एक पर्सन होता है स्ट्राइक के लिए ऐसा होता है राइट right? चलिए इसी के साथ अगले वाले वर्ड पे चलते हैं अगला वर्ड हमारा परनीशियस है दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को आपके लिए खतरनाक है रिस्की है, है जितने आते हैं लिखते जाइएगा इससे आप लोगों का क्या होगा आप लोगों का रिविजन भी होता जाएगा कुछ नया एड भी कर सकते हैं आप लोग राइट right? पर्नीश्यस है, पर्नीश्यस है, पर्नीश्यस का आप आप लोगों को बताना है। मुझे जितने आपको आते हैं उतने बताइए। सेशन कंटिन्यू कब से करेंगे अब कंटिन्यू होंगे राइट अब हमारा सेशन जो भी काम था वो हो गया जो वीडियो बनना था वो हो गया आएगा बहुत जल्द आपके पास तो तब तक के लिए अभी सेशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं वापस से वो का सेशन आपके सामने समथिंग फिलदी समथिंग फिलदी इज फिल्दी है तो डर्टी है डर्टी है बहुत ही फाउल सा है अनप्लेजेंट सा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है अनअट्रैक्टिव सा है रिपल्सिव सा है तो उसको ये बोल देते हैं राइट फिल्दी है फाउल है गंदा है डर्टी है स्पॉटी है ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है इसीलिए हम लोगों ने रोका था कि एक बार थोड़ा सा सब चीज़ें ठीक हो जाए तो वापस से चला लेंगे नाउ एवरीथिंग इज ओके सो वी हैव स्टार्टेड अगैन मैंने बोला आप लोगों को राजेश एक बात बताओ एक मुझे ये समझ में नहीं आता आई एम टीचिंग ऑनलाइन वी नेवर मीट वी जस्ट टॉक यहाँ पे जो बातें होती हैं इससे तो कैसे हो सकता है कि कुछ ऐसा हो गया हो और आई हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग एनी एनी वन ऑफ यू हाउ कुड इट बी पॉसिबल कुछ ऐसा हुआ है राजेश या एनी वन ऑफ यू कुछ ऐसा हुआ है देर इज नथिंग लाइक दैट ओके तो ऐसा नहीं है बस मैंने आपका मैसेज देखा नहीं होगा या दिखा नहीं होगा मुझे इसलिए ऐसा हुआ है हाँ स हो सकता है डिजास्टरस डिजास्टरस हो हो सकता सकता है, है, लाइक राइट, बिल्कुल सही, मैं यहाँ पे डिजास्टरस भी लिख दूंगी डिजास्टरस हो सकता है डिवेस्टेट like, right. हो सकता है हाँ परनिशस हो सकता है हार्मफुल हो सकता है इंजूरियस हो, हो, हो सकता है और क्या लिखा है आपने uh, बस इतने ही वर्ड्स लिखे हैं आप लोगों ने चलिए और वर्ड्स इतने कंटिन्यूस अगर कोई चीज़ कंटिन्यूस होती है तो वो सीजलेस होती है लगातार होती है आंसर आप लोगों को बताना भी है सिनोनिम कौन सा है यहाँ पे सीजलेस है परपिचुअल है, है एकदम कंटिन्यूस है है ना यानी बिना रुके स्टॉपलेस भी बोल सकते हैं इसको हम लोग स्टॉपलेस भी बोल सकते हैं जो मीनिंग आप लोगों को नया लगे उसको नोट जरूर करिएगा अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो बताइएगा गाइस ठीक है चलिए सही yes, मुझसे मिस हो गया पेरिलस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पेरिलस क्या होता है रिस्की डेंजरस खतरनाक राइट चलिए तो राइट आंसर यहाँ पे परनिशियस का क्या होगा परनिशियस इज इंजूरियस टू हेल्थ राइट चलिए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं थ्री हमारा हो गया फोर पे चलते हैं फोर इज इोलॉजी इोलॉजी देखो हो सकता है इनमें से बहुत सारे वर्ड्स हमने रिसेंटली पढ़े होंगे कहीं ना कहीं क्योंकि मेंस के वर्ड्स अभी जब मैंने किए थे तब मेंस में भी ये वर्ड्स आ रहे थे हाँ बिल्कुल रेगुलर होती है आई एम सो सॉरी राजेश पहली बात और सेकेंड बात की आई थिंक uh, एक होता है आपको सोशबल कैसे बनना होगा अफेबल कैसे बनना होगा आप जैसा सामने वाले से चाहते हैं वैसा आपको बनना चाहिए तो थोड़ा सा अभी आप बिल्कुल ग्रोइंग एज में थोड़ा सा पोलाइट बनिए लविंग बनिए है ना सॉफ्ट बनिए यूलॉजी क्या होता है यूलॉजी होता है रिटर्न जनरली क्या होता है तारीफ़ करते हैं ना हम लोग किसी की बोल के बता देते हैं कि यू आर लुकिंग गुड या यू स्माइल नाइसली ऐसे करके बट रिटर्न तारीफ़ कोई आर्टिकल लिख के किसी की तारीफ़ की गई हो कोई स्पेसिफिक ब्लॉग लिख के तारीफ़ किया गया हो तो रिटर्न अप्रिसिएशन जो होता है रिटर्न तारीफ जो होती है रिटर्न में जो प्रेज होता है उसको बोला जाता है यूलॉजी इसको सबसे ज़्यादा जो एक वर्ड होता है इसके लिए दैट इज पैनी जायरिक पैनीजारिक क्या होता है एक ट्रिब्यूट होता है कोई आपको अच्छा लग रहा है किस किसी के लिए आपके मन में बहुत रिस्पेक्ट है तो आप उसको ट्रिब्यूट देते हैं आप उसको होमेज देते हैं इट इज़ कॉल प्रेज ये रिटर्न प्रेज के लिए अगर हम सिर्फ प्रेस से इसको जोड़ें क्योंकि प्रेस से भी इसको जोड़ा जा सकता है एडमायर से जोड़ा जा सकता है अप्रिशिएट से जोड़ा जा सकता है अपलॉड से, से जोड़ा जा सकता है तो ये सारे अकनॉलेज से जोड़ा जा सकता है ये सारे वर्ड्स भी इसके क्या होंगे सननि होंगे और कोई वर्ड आपका हो तो आप भी लिख दीजिएगा अभी मैं चेक करती हूँ आपने क्या लिखा हामनी हामनी क्या होता है हामनी होता है दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप जो कैसा हो आपस में बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी वाला हो टुगेदरनेस की भावना हो आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो यूनाइटेड हो तो हामनी इज टुगेदरनेस हामनी इज यूनिटी हामनी इज सोशल अफेबल लविंग एमिएबल ये सब भी इसमें आ सकते हैं ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि होता है एग्जैक्टली exactly, पर र, 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 ट्रिब्यूट दिया जाता है ना किसी को आपके लिए मेरी तरफ से ये तो इट इज़ अ ट्रिब्यूट यानी कि आप उसके लिए रिस्पेक्टफुली फुल ओ फुली आप उसके लिए वो काम कर रहे हैं राइट तो ये होता है हाँ यूफोरिया है अगर यूफोरिया है तो क्या होता है यूफोरिया इज एक्सट्रीमली हैप्पीनेस बहुत ज्यादा खुश आनंद जो होता है एक्सटसी ये इसका ही सिनोनिम होता है हैप्पीनेस एक्सट्रीम हैप्पीनेस आनंद का जो भाव होता है दैट इज एक्सटेसी दैट इज हैप्पीनेस दैट इज इफोरिया दैट इज ब्लिस दैट इज जॉय ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हो जाएंगे हाँ हार्मनी एमिटी बिल्कुल सही है ब्लिस जॉयनेस जॉयफुलनेस लिखूंगी मैं यहाँ पर है ना राइट right? तो ये हो गया हमारा प्रेज इसका सिनोनिम होगा राइट आंसर है ओके गॉट योर पॉइंट पंकज आई गॉट योर पॉइंट चलिए शुरू करते हैं इसको पे आप अब हम लोग काम करना शुरू करते हैं आपके लिए सी वाले के लिए और स्टेनओ वालों के लिए लंबा सेशन आएगा डेफिनेटली नाउ आई एम टेलिंग यू तो डेफिनेटली आएगा चले आगे चलते हैं ये हमारे सामने एक और वर्ड है अपोजिट है ये ए से शुरू हो रहा है ध्यान रखिएगा ए से शुरू हो रहा है अपोजिट को इसको कहा इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है एप्ट इसको कहा जाता है उचित इसको कहा जाता है सूटेबल इसको कहा जाता है अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट कहा जाता है उचित कहा जाता है फिटिंग कहा जाता है सुटेबल कहा जाता है और क्योंकि हम इसको फिटिंग कह रहे हैं तो हम यहां पे एक और शब्द लिख सकते हैं फिटिंग से मिलता जुलता दैट इज कॉल्ड बी फिटिंग ओके फिटिंग है यानी सुटेबल है यानी अप्रोप्रिएट है यानी उचित है यानी रिलेवेंट uh, है ये भी हम बोल सकते हैं यहां पर ओके चलिए हैप्पीनेस ब्लेस हो गया अब आगे यहाँ पे अभी देखेंगे इसके अकॉर्डिंग कौन सा है प्रॉपर भी हो सकता है गाइज़ है ना प्रॉपर क्या होता है प्रॉपर भी यही होता है या सी ठीक है ये प्रॉपर है ये सूटेबल है ये रेलिवेंट है तो रेलेवेंट प्रॉपर ये सब भी इसके सदनम हो सकते हैं अगले वाले पे चलते हैं काइंड है आप काइंड है तो आप कैसे हैं जेनरस हैं आप कैसे हैं बेनीवॉलेंट हैं ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हो जाएंगे ओके okay? फेवरेबल क्या होता है आपके लिए अगर कोई चीज़ फेवरेबल है तो आपके लिए वो चीज़ कैसी है बेनिफिशियल है बेनिफिशियल है यानी फायदेमंद है राइट right? बेनिफिशियल है हेल्पफुल है और इलोक्वेंट कोई व्यक्ति अगर इलोक्वेंट होता है इसका मतलब क्या होता है जल्दी से आप अपने आंसर भी दे रहे हैं एग्जैक्ट सुटेबल बता रहे हैं ओके okay? मैम अब हम 2020 ट्वेंटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या ये सही डिसीजन है आप क्यों कर रहे हैं पहले तो ये बताइए 20 जो 19 का CHSL था वो कैसा हुआ और अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल जी जान से लग जाइए कि ये आखिरी प्रिपरेशन हो बार बार सीजाइन चीज अगर करते रहो तो हमारे मन से उसके लिए जो शिद्दत होती है ना वो खत्म होती है तो एक बार ही लग जाओ इस तरीके से काम करो तो ज्यादा अच्छा होगा ठीक है ये सब क्या मैंने क्या बोला शुरुआत में आज सेशन के शुरुआत में मैंने एक बात बोला था आप दिन भर के 300 शब्द मत करिए दिन भर के सिर्फ 30 शब्द करिए लेकिन वो 30 शब्द आपके इधर फिट होना चाहिए दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इसके लिए कीवर्ड क्या बोलूंगी मैं रिवीजन बोलूंगी मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि मेरा वीडियो प्रमोट करने के लिए कि भाई आप इसको बार बार देखो इसलिए मत बार बार देखो आप इसको कान में लगा के छोड़ दो जो काम कर रहे हो सुनते रहिए एक बार आपने देख लिया समझ में आ गया मैम क्या बोलने वाली स्पीड बढ़ा दोबारा सुनो तीसरी बार सुनो तो याद ही तो करना है मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ ऑडियो विल हेल्प एक बार रीड करते ना बुक में वो डलनेस आता है थोड़ा सा मोनोटनोस हो जाता है हेल्पफुल नहीं होता है इंसटेड ऑफ दैट आप सुनो आप खुद के नोट्स बनाओ वर्ड्स के वर्ड्स के वर्ड्स के वर्ड्स लिखते जाओ दैट विल बी हेल्पफुल दैट वे ठीक है इलाकुवेंट क्या होता है इलाकवेंट होता है ये बताना था मुझे आपको इलाकवेंट होता है फ्लुएंट एक ऐसा पर्सन जो बहुत आराम से अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है क्लियरली बोल सकता है बिना रुके बिना अटके अपनी बात को बोल सकता है तो इलाकुंट बोलते हैं उसको मधुरभाषी या सही भाष सही सही बोलने वाला या एक्सप्रेस करने वाला अपने आप को उसको बोला जाता फ्लुएंट है क्लियर है एक्सप्रेसिबल है राइट right? अब हमें अपोजिट का यहाँ पे क्या बनाना था सननिम बनाना था बाकी तो है नहीं ये हो जाएगा अप्रोप िएट इसका राइट आंसर होगा गाइस आंसर्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। यही मैं बोल रही हूँ बता खुद को ऐसा लगता है हम अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं शायद इट इट इज इज नॉट नॉट माय कप ऑफ टी लाइक दैट आप उसके हंड्रेड परसेंट नहीं दे रहे हैं तो आपको कैसे मिलेगा आप खुद के साथ अपने आप को हम खुद ही जानते हैं आप सबको पता है ये बात अब मैं हटा रही हूँ आप स्क्रीन लेते रहें अगले वाले पे चलते हैं सिक्स नंबर पे हमारे सामने है एम्बार्गो एम्बार्गो करना क्या होता है एम्बार्गो करना किसी को बैन कर देना होता है किसी पे रेस्ट्रिक्शन लगा देना होता है रेस्ट्रिक्शन uh, लगा देना होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना होता है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा डिस्टर्ब करना हो जाएगा तो डिस्टर्बेंस हो सकता है राइट हाँ 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 बिल्कुल सही बोल रहे हैं पंकज आप राजेश बोल रहे हैं कुछ और करिए राजेश आपके लिए ये सही सजेशन होगा आप प्रैक्टिस करिए कॉमन एरर की प्रैक्टिस और कॉमन एरर एग्जाम पिछले वाले करिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंप्रूव ना हो प्रिस्क्राइब करना क्या होगा डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना स्पेशली वहीं पे ये यूज होता है एडवाइस करना सजेशन देना कंफर्ट यानी ईज आराम होता है जस्टिफाई करना यानी न्याय करना होता है सही का साथ देना होता है जस्ट करना होता है राइट चलिए अगले वाले में बताना है एंटेनिम ये अभी में चल रहे हैं है ना ये चल रहे हैं सेवन नंबर तक है तो अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे नंबर ये रहा क्रिसांडो हमारा वर्ड है क्रिसांडो जल्दी से सोचिए क्रिसांडो अभी हमने कुछ दिनों पहले ही किया था रिवर है यहाँ पे रिवर यानी क्या होता है सबसे पहले रिवर यानी होता है रिस्पेक्ट किसी को रिवर करना किसी को रिस्पेक्ट करना किसी को ऑनर करना होता है किसी को ऑनर रिस्पेक्ट एस्टीम भी होता है रिगार्ड भी हो सकता है आदर करना है ना शुड आई राइट हिंदी एज वेल बहुत सारे लोग कहते हुए हिंदी मैं लिख देती हूँ स्क्वेंडर, स्क्वेंडर क्या होता है अगर कोई व्यक्ति स्क्वेंडर है तो वो कैसा है वो है बहुत ज्यादा खर्चीला कैसा है खर्चीला है यानी बहुत ज्यादा खर्च करता है एक्स्ट्रा वेगेंट है वो स्क्वेंडर है तो कैसा है एक्स्ट्रा वेगेंट है और एक्स्ट्रा वेगेंट है इसका मतलब क्या होता है बहुत ही एक्सपेंसिव है है ना खर्चीला होता है इसका मतलब क्या हो गया एक्स्ट्रा वेगेंट है खर्चीला है एक्सपेंसिव है बहुत ही ज़्यादा खर्चा करता है इसका अपोजिट क्या होता है आता है अभी आप लोग बताइएगा एक्सपोजिट क्या अपोजिट क्या होगा डोमिनेट करना किसी पे हावी होना किसी को नीचा दिखाना होता है ठीक है हावी होना होता है exactly. एग्जैक्टली और क्रिसांडो के दो मीनिंग्स हो सकते हैं एक तो क्रिसांडो होता है बिल्कुल टॉप पे ऊपर है ना जो नेदर का अपोजिट होता है जो क्या होता है टॉप पे एक्सट्रीम हो सकता है ज़ीनित हो सकता है ये सारे वर्ड्स होते हैं लेकिन लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है क्रिसा एस्केलेशन एस्केलेशन क्या होता है एस्केलेशन यानी होता है स्पीड बहुत जल्दी से स्पीडी रिकवरी होना या स्पीडी मल्टीट्यूड हो जाना बढ़ते जाना क्रिसांडो क्या होता है एकदम से लगातार बढ़ते जाना तो एस्केलेशन भी वही होता है आराम जल्दी जल्दी बढ़ते जाना तो क्रिसांडो एस्केलेशन ये दोनों आपस में सनानिम होंगे राइट हाँ जी पूरा करवाएंगे बिल्कुल करवाएंगे एन के लिए पढ़ना है मन नहीं कर रहा क्योंकि फिर इंग्लिश नहीं पढ़ पाऊंगा तो फिर क्यों कर रहे हो मुझे नहीं लगता ये आप इसको कंपेयर कर सकते हो दोनों एग्जाम को एन टी पी सी को और इसको और मुझे लगता है इंग्लिश हर बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश और इंग्लिश को अगर आपने एक बार शिद्दत से कर लिया तो मुझे लगता है बहुत सारे एग्जाम्स सा आप निकाल सकते हो तो इसको अपना वेपन बनाइए ऐसे एग्जाम में मत जाइए जहाँ पे इंग्लिश नहीं आता इसलिए नहीं कि मेरा प्रमोशन हो रहा है इसलिए कि इंग्लिश आपको वैसे भी मदद करता है गाइज अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं एन्हांस करते हैं जॉब पाते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंज ला सकते हैं दैट्स वाई इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट राइट चलिए अब आते हैं मिट्टी गेट पर अब हमें एंटेनिम करने हैं एट नंबर आ गया है एंटेनिम करने हैं ध्यान रखिएगा नाउ एंटोनिम स्टार्ट एंटोनिम करना है मिटिगेट का वॉट इज मिटिगेट मिटिगेट इज रिड्यूस सॉरी मिटिगेट इज डिमिनिश और डिमिनिश क्या होता है धीरे धीरे देखो डिमिनिश यानी होता है ड्विंडल ड्विंडल क्या होता है धीरे धीरे खेल के चीजों का क्या हो जाना गायब हो जाना कम हो जाना इतनी बड़ी समस्या फिर इतनी फिर इतने फिर इतनी और फिर इतनी रह गई और फिर गायब हो गई तो यानी ग्रेजुअली वो क्या हो गया कम हो गया या तो इसको हम इस तरीके से धीरे-धीरे धीरे करके डिक्रीज हो जाना या फिर प्रॉब्लम है तो इसका क्या हो जाना ग्रेजुअली धीरे 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 जाके क्या हो जाना कम हो जाना इस तरीके से भी ले सकते हैं इंग्लिश ही निकालना है एसएससी ही निकालना है तो करना पड़ेगा आपको है ना चलिए एनलार्ज करना क्या होता है एनलार्ज करना बड़ा करना होता है हम माइक्रोस्कोप से एनलार्ज करके देखते हैं कोई चीज इतनी है हम उसको क्या कर रहे हैं एनलार्ज कर दिए रिड्यूस यानी क्या करना होता है ये रिड्यूस हो रहा है देखो रिड्यूस हो रहा है ना ये इंक्रीज बढ़ना होता है बढ़ना होता है अभी इसको हम ये इधर जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है हो जाएगा। Multiply, में बढ़ना। आज वन था, कल कुछ ऐसे ग्राफ्स आ रहे थे डराने वाले है ना तो वो क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था जल्दी जल्दी से राइट चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा एट हो गया नाइन पे चल रहे हैं यहाँ पे फिर से बता दूं अब एंटेनम कर रहे फोर्टीन तक हम लोग एंटेनम करने वाले हैं एलिगेंस है वट इज एलिगेंस किसी में एलिगेंस होता है वट इज दैट एलिगेंस होता है मतलब एक अलग ही ग्रेस होता है एक अलग ही स्टाइल होता है एक अलग ही चाम होता है स्टाइल चाम फैशन ठीक है स्टाइल होता है चाम होता है फैशन होता है एलिगेंस होता है ग्रेस होता है इसको बोला जाता है राइट right? और इसके अलावा इससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एलिगेंस के लिए मेरे पास दैट इज डिग्निटी डिग्निटी क्या होती है एक रिस्पेक्ट होती है पर्सन की ना वो अपने डिग्निटी को कैरी करता है अपने रिस्पेक्ट को कैरी करता है सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने स्टाइल को अपने चाम को दैट इज एलिगेंस और विदाउट एलिगेंस है क्यों क्या प्रॉब्लम आ रही है जल्दी से बारूल आप बताएं वेमेंस है हमारे सामने फ्रेग्रेंस है हमारे सामने ग्रेसलेस है और ऑस्टेंटेशियस है ऑस्टेंटेशियस कैसा पर्सन होता है इफ अ पर्सन इज ऑस्टेंटेशियस द पर्सन इज शोई द पर्सन इज प्रिटेंशियस है ना जो दिखावटी हो प्रिटेंशियस होता है ना प्रिटेंशियस क्या होता है दिखावटी शोई है ना जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और तो दैट इज ऑस्टेंटेशन दिखाना दिखावा करना ओके okay? और ग्रेसलेस क्या हो गया हैविंग नो स्टाइल हैविंग नो फैशन हैविंग नो डिग्निटी हैविंग नो पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग जैसे सबका अपना द वे वन वॉक्स द वे वन टॉक्स आप कैसे बोलते हैं आप कैसे चलते हैं वो ही तो आपका एलिगेंस वही आपका ग्रेस होता है अगर आप में वो बात नहीं है वो स्टाइल नहीं है तो आप अपने उसको कैरी नहीं करते हैं राइट तो ग्रेसलेस इसका ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो गया अब फ्रेग्रेंस होता है फ्रेग्रेंस क्या होता है सेंट फ्रेग्रेंस क्या होता है खुशबू है ना किसी भी चीज की अच्छी खुशबू अगर आ रही है तो आप क्या कहते हैं खुशबू आ रही है ना अब यहाँ पे एक और वर्ड है वहीमस वहीमंस क्या होता है वहीमस होता है ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है ना ओवरवेलम अगर आप किसी नेगेटिव चीज में भी ओवर हो जाते हैं तो ईगर एक है ना ईगरनेस मुझे यहाँ पे याद आता है अगर आप लोगों ने भूल भूलें मूवी देखी है If you must have, you must have watched क्योंकि ऐसी मूवीज होती हैं जो दे बहुत सारे लोग देखते हैं आप मुझसे बात कर सकते हैं यू कैन कॉल मी व्हाट्सएप कॉल करिए मेरे नंबर पे बट इन टाइम है ना जैसे कल संडे तो कल नहीं मिल पाऊंगी मंडे को आप मुझसे कॉल करिएगा हम मिलेंगे राइट right? हाँ देखिये हाँ भूल भूले या मूवी की बात करें थे जो वहाँ उसमें जो लीड कैरेक्टर में विद्यावादन थी उसमें जो अगर आपको याद हैी यूज टू लिसन टू द स्टोरीज ऑफ द Uh. क्वीन एंड जो वहां पे डांसर थी उसकी जो स्टोरी सुनती थी उसके अंदर एक अलग ना ललक होती थी एक अलग ईगरनेस होती थी होती थी जानना होता था तो कैसी है वो उग्र हो जाना किसी भी उसका वो वो जो रूप है कैसा बन गया कि शी वॉज रेडी टू किल हर ओन वो वहीमस होता है वो उस टाइप का ईगरनेस होता है उसमें क्या होता है जैसे आप बिल्कुल कैसे हो गए फोर्सिबल हो गए हो कि अब आपको करना ही करना है तो फोर्सिबिलिटी जो होती है दैट इज ईगरनेस दैट इज एक्स्ट्रा इगरनेस एक्स्ट्रा ओवरवेमिंग रिस्पॉन्स राइट चलिए आगे वाले में चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट हमारा नाइन हमारा खत्म हो गया टेन पे हम लोग चल रहे हैं डिफिडेंट बहुत आराम से सबको आता होगा अगर आप डिफिडेंट है तो आप कैसे हैं आप नीक हैं आप मॉडेस्ट हैं आप शाये हैं आप कैसे हैं आप वीक हैं आप में कॉन्फिडेंस की कमी है डिफिडेंस होना क्या होता है कॉन्फिडेंस की कमी होना तो रिजर्व है अगर तो आप रिजर्व है यानी कि आप दूसरों से बहुत ज़्यादा खुले नहीं है आप इंट्रोवर्ट हैं ये सनानिम है सारे हमें एंटनम इसका ढूंढना है हैप्पी है आप चेयरफुल हैं आप जॉयफुल हैं आप ब्लिस्ड हैं या आप कॉन्फिडेंट है या अपोजिट हो गया इसका स्ट्रांग है पावरफुल है ये ये कैसा है फिजिकली अगर आप रोबस्ट हैं है ना तो आप इस वाले वर्ड को ले लेंगे दिलीप आपका मैसेज क्या है काफ़ी ऊपर चला गया है शायद मुझे ज़ीरो लेवल से प्रिपरेशन करना है ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करिए फाउंडेशन क्लासेस रेड क्लास रेड कलर की जो फाउंडेशन क्लासेस हैं वहाँ पे जो स्टार्टिंग शुरू से एकदम पढ़ लीजिए छः क्लासेस से आपको आने लगेगा फिर मुझसे बात कर लीजिएगा इसके बाद है ना आइए नेक्स्ट में चलते हैं डेबिलिटेटिंग हमारे पास वर्ड दिया गया है अब डेबिलिटेटिंग क्या होता है अगर आपके अंदर ये है डेविलिटेटिंग वाला है रिस्पॉन्स है या आप ऐसे हैं तो आप कैसे हैं आप फीबल देखो डेविलिटेटिंग क्या होता Debilitate है यानी वीक करना किसी को तो फीविल हैं आप है ना फीवलिंग है अगर कोई वर्ड है वीकनिंग वीक से समझो वीक करने वाला आपको वीकनिंग करने वाला यानी आपको कमजोर करने वाला है राइट कमजोर करने वाला है डेबिलिटेटिंग है फिकल है फिकल क्या होता है फिकल होता है अनस्टडी अनस्टडी होता है यानी कि आप कैसे हैं अनस्टडी है मतलब इधर कभी इधर बात करते हैं कभी ये वाली बात करते हैं इस तरीके से मतलब आप फर्म नहीं है आप कैसे नहीं है आप फर्म नहीं है फर्म क्या होते हैं स्ट्रोंग पावरफुल मतलब स्ट्रॉन्ग है यानी कि आप स्टेडी हैं आप अनचेंजेबल है फिकल कैसा होता है डेबिलिटेटिंग कैसे होता है चेंजेबल क्योंकि अपना अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना आपके अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप दूसरों की बात सुन के कभी इधर कभी इधर हो सकते हैं तो आप रिजिट माइंड के साथ नहीं है आप कैसे फ्लेक्सिबल माइंड सेट के साथ है आप चेंजेबल है आप मोल्डेबल है रिपल्सिव इज जस्ट एन टू अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव का एंटानिम है डेबिलिटेट डिसेबल रिड्यूस डिस बिल्कुल सही है आइए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम लोग राइट आंसर फॉर्म मिल गया इसका ट्वेल्व पे चलते हैं मेगनानिमिस वर्ड आया है टू तो अभी आया था इसका synonym. अगर आप मेगनानिमिस हैं तो आप काइंड हैं आप बेनिबोलेंट हैं आप कैसे हैं हेल्पफुल हैं आप कैसे हैं दूसरे की मदद करने वाले हैं आप मनी से लिबरल हैं हेल्पफुल हैं आप मदी से लिबरल दिखना था मुझे लिबरल है आप दूसरों की मदद करते हैं दानवीर कर्ण है आप तो आप में, में स्ट्रॉइक क्या होता है स्ट्रॉइक आ चुका है आप थी आप थी वाला पर्सन जो होता है वो स्ट्रॉइक होता है इनडिफरेंट है ना इनडिफरेंट है न्यूट्रल है ये हम लोग यहाँ पे इसका सिनोनिम बोल सकते हैं यानी कि इनडिफरेंट क्या होता है उदासीन जिसको सुख से दुख से खुशी से गम से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है राइट मैग्नानिमस ये हो गया इसका सुनानम स्टिंगी स्टिंगी क्या होता है कंजूस होता है अगर आप स्टिंगी हैं तो आप कैसे हैं आप माइजरली हैं आप कैसे हैं आप माइजरली हैं आप बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप माइजरली हैं आप पार्सीमोनियस हैं एक वर्ड होता है पार्सीमोनियस और एक वर्ड होता है मीन कंजूस जो होते हैं ना उनको मीन भी कहा जाता है पुअर सॉरी <coughs> Poor क्या होता है गरीब होता है गरीब दो तरीके हो सकते हैं एक पुअर होता है बेचारा एक होता है पेनीलेस पेनीलेस का मतलब हैविंग नो मनी राइट और जब मनी ही नहीं है तो वो विज्ञानमिस नहीं हो सकता ये अलग सिचुएशन है पेनीलेस वाली पैसा ही नहीं है और एक है पैसा पर उसके पास दिल नहीं है देने का तो ये अलग अलग बातें हो गई ठीक है

अनप्रोडक्टिव का मतलब ये कोई रिजल्ट नहीं देने वाली है इसका कोई फायदा नहीं है बंजर है बैरन है अनप्रोडक्टिव है और अनप्रोडक्टिव अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है तो कैसा हो जाता है अनसक्सेसफुल हो सकता है या फ्रूटलेस हो सकता है रिजल्टलेस हो सकता है यूजलेस हो सकता है ये सब इसके क्या होंगे Synonym हो जाएंगे रिजल्टलेस फ्रूटलेस राइट और यूजलेस भी बोल सकते हैं इसको हम लोग बैरन है और फ्यूटाइल एक वर्ड होता है फ्यूटाइल फ्यूटाइल भी इसी का ही सदनिम होता है फ्यूटाइल है वेस्ट है राइट right. ऑयली ऑयली है ग्रीसी है चिकनी वाली है पॉलिश है शाइनी है पॉलिश है और सोरोफुल है यानी दुखी है यानी अनहैप्पी है यानी मेलनकलिक uh, uh, है ये सारे वर्ड फर्टाइल फर्टाइल क्या होता है जस्ट ऑपोजिट फर्टाइल है तो प्रोडक्टिव है रिजल्टफुल है सक्सेसफुल है फ्रूटफुल है यूजफुल है ये सारे इसके ऑपोजिट हो जाएंगे राइट right? तो राइट right आंसर हमारा ये हो जाएगा और कोई यहाँ पे है भी नहीं सिनोनिम तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है कि एंटोनिम बताना है इसी के साथ आज के लास्ट वर्ड पे हम लोग आ गए हैं यहाँ पे इमेंस हमारा लास्ट वर्ड है व्हाट इज इमेंस इमेंस यानी क्या होता है डीप ठीक है डीप होता है डीप यानी बिल्कुल गहराई से अगर आपके अंदर कोई चीज है तो बहुत डीप है या कोई चीज है बहुत इमेंस है बहुत इमेंस नॉलेज है उसको यानी डीप नॉलेज है यानी प्रोफाउंड नॉलेज है बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है डीप नॉलेज है इमेंस नॉलेज है बहुत अच्छा नॉलेज है ज्ञान ज्यादा है मिस्टीरियस यानी सीक्रेट होता है या मिस्टीरियस ऐसा होता है समथिंग अनक्लियर जो कि वेग हो जो कि समझ में ना आए ऑब्सक्योर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं डिफिकल्ट यानी टफ होता है हार्ड होता है कठिन होता है नेक्स्ट सुपरफ्लुएस सुपरफ्लुएस सुपरफ्लूस क्या होता है सुपरफ्लूस होता है एक्स्ट्रा है हटा दो है, 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 सुपरफिशियल क्या होता है कई लोग होते हैं बहुत ज्ञानी नॉलेजेबल प्रोफाउंड नॉलेज होती है डीप नॉलेज होती है इमेंस नॉलेज होती है सब्जेक्ट की और दूसरी क्या होती है क्यों हो गया मेंस वाले क्यों दुखी हो गए मेंस के लिए क्लासेस तो रही है मेंस वाले देखते ही नहीं है क्लासेस मेंस के लिए आएंगी फिर भी हम लोग लंबे सेशंस जो प्लान कर रहे हैं वो तो आएंगे ठीक है सुपरफिशियल क्या होता है सुपरफिशियल होता है बाहर से

तो सबको हर रोज लेना है और जहां तक मुझे लगता है वो कैबलरी सबका ही वीक पॉइंट होता है तो आप इसको रिवाइज करिए जितना हो सके जितना हो सके हर दो तीन दिन में पुराना वीडियो देख लीजिए तो इससे क्या हो जाएगा ऑडियो होगा आप देखना जरूरी नहीं सुनना जरूरी है आप इसको देखें आप इसको फॉलो करें तो आप लोगों के लिए ये अच्छा होगा इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं देखो फोर्टीन हमने क्वेश्चन कर लिया अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो हमारे पास है अब क्लास कब होगा अब रात वाली क्लास होगी जो नौ बजे होती है और उसके बाद कल संडे है तो कल कोई क्लास नहीं होगी मंडे से हम लोग रूटीन को स्टार्ट करेंगे राइट हाँ नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो आप लोग प्लीज रिमाइंडर सेट करके रखें इसलिए क्योंकि रिमाइंडर हेल्पफुल होता है हाँ बस ये है कि पता नहीं चल पाया आज तो आई एम सो सॉरी क्योंकि हम लोगों ने इसका स्ट्रीम नहीं लगाया था क्योंकि इट वाज अनडिसाइडेड हमने सोचा था कि अगर हो जाएगा तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे तो आई वॉज वेल सो वी स्टार्टेड चलिए इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आप लोगों को देख देनी है आना अकेडमी जो है वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं एस एस सी चैंपियंस लीग क्योंकि एस एस सी से रिलेटेड है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ आप लोग वीकली टेस्ट के लिए यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं एनरोल फॉर द वीकली टेस्ट फॉर एस एस सी एंड स्टैंड अ चांस टू वेन प्राइजेज एंड स्कॉलरशिप आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं आप अपियर हो सकते हैं एनरोल हो सकते हैं और आपको प्राइजेज और स्कॉलरशिप भी मिल सकते हैं इफ़ यू

ये एग्जाम जो टेस्ट होगा आपका ये एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होगा इसमें ग्रुप स्टेज वन जो था जो कल हो गया है इसमें रीजनिंग जी ए आने वाला था और ग्रुप स्टेज टू जो है क्वांट और इंग्लिश इसमें आने वाला था 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन 30 मिनट्स के लिए होंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा द फिनाले विल टेक प्लेस ऑन लास्ट डे अक्टूबर एंड हंड्रेड मार्क्स का होगा सिक्सटी मिनट्स का आपको मिलेगा जिसमें सारे टॉपिक्स आएंगे और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी आप लोग अगर चाहें आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं इसी के साथ रिवॉर्ड्स भी हैं इसमें इफ यू apply and if you if you enroll and if you win you will get the rewards group stages rank 1 reward is rupees 5000 group stages rank 2 and 3 is 2500 group stages rank 4 and 5 is rupees 1000 and finale rank 10000 first prize uh, first rank 10000 finale rank 2 and 3 will get 5000 and finale rank 4 and 5 will get 2000 equally राइट तो दिस इज द दिस वाज़ अनाउंसमेंट फॉर यू इसी के साथ हमारा जो एंटेनम और सीनम वाला जो सेशन है गाइस यहाँ पे खत्म होता है यानी कि यहाँ पे हम जो कर रहे थे गर्ज आज सुनानिम और एंटनिम का सेशन जो हम लोग कर रहे थे वोकेबलरी का जो मेंस के लिए और एसएससी एस के लिए और एसएससी सीपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जिसको आज हमने स्टार्ट किया है और जो रहेगा आगे कंटिन्यू हर एग्जाम तक तो आप लोग इस सेशन को बहुत देखिए और क्योंकि वोकेबलरीरी से रिलेटेड है तो वोकेबलरी को बहुत ज़्यादा अहमियत देने की जरूरत है क्योंकि आप लोगों को भी पता है आज आपको ये वर्ड आता है लेकिन एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं ये जनरली सबके साथ होता है तो आप लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए राइट चलिए इसी के साथ सेशन ओवर करते हैं आप मिलेंगे रात वाले सेशन में तो मिलेगा मुझसे वहां पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ आज शाम को टेस्ट देना थैंक यू वेरी मच